समय की बात है जब दुनिया में कई अजूबे हुआ करते थे। एक गरीब मछुआरा जिसने समुद्री तूफान में अपनी नाव खो दी थी, तैरता हुआ किनारे पर आ पहुंचा। घर लौटकर जब वो अपनी पत्नी से मिला, मेरी इकलौती नाव भी अब मेरे पास नहीं रही। ओह, अब हमारा गुजारा कैसे होगा? फिक्र मत कीजिए, आप पेड़ की तनी से फिर से एक नई नाव बना सकते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। ठीक है, मैं इसी वक्त जंगल में जाऊंगा। वो मछुआरा उसी रात पेड़ के तने की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन जंगल में कहीं रास्ता भटक गया। हाँ, यहां से थोड़ी दूरी पर ही एक मकान है, मैं उसमें रहने वालों की मदद ले सकता हूँ। मछुआरे ने जाकर उस मकान का दरवाजा खटखटाया। एक बुजुर्ग पति पत्नी ने उस घर का दरवाजा खोला। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ नौजवान? दरअसल मैं इस जंगल में भटक गया हूँ, क्या मैं आपके घर में रह सकता हूँ सूरज निकलने तक? जरूर, अंदर आ जाओ। कुछ देर के बाद, सुनिए, क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मैं बहुत भूखा हूँ। तुम यहाँ आराम करो बेटे, हम कुछ ही देर में आते हैं खाना लेकर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो दोनों वहां से एक कमरे में चले गए। पर मछुआरा ये जानने के लिए बेचैन था कि खाने में क्या पकाया जा रहा है, इसलिए वो उस कमरे में झांकने लगा जिसमें वो बूढ़े पति पत्नी गए थे। उनको गायब होता देखकर, उन्होंने आखिर किया क्या? इस हैट में जरूर कोई जादुई शक्ति है। मछुआरे ने एक हैट उठाई और पहन ली और उसे बूढ़े जोड़े का पीछा करने को कहा। मैं कहाँ आ गया? आह, हर तरफ स्वादिष्ट, हर तरफ बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। मछुआरे ने उस बूढ़े जोड़े को खाना चुराते हुए देखा। आह, अब समझा कि आप लोग क्या करते हैं। बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे मत बताओ कि क्या करना है, मैं यही रहूंगा और खाऊंगा ये सारा खाना। ठीक है, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। वो बूढ़े पति पत्नी वहाँ से चले गए और मछुआरे को जो नजर आया वो उस हर चीज को खाता चला गया। कितना स्वादिष्ट खाना था। और फिर वहां सिपाही आए। अच्छा, तुम ही हो वो चोर जो रोज खाना चुराता है, मैं तुम्हें राजा के सामने पेश करूंगा। महाराज, यही है वो चोर जिसकी हमें तलाश थी। इसे जिंदा जला दो अभी। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? कुछ सोचो। आइडिया, मुझे अपनी टोपी पहननी है, बस आखिरी बार, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक कैप, बस इतना ही? सिपाही, इसे इसकी कैप पहना दो। सिपाही ने हुक्म माना और जैसे ही उसे हैट पहनाई, घर चलो। मछुआरा वहां से गायब हो गया और अपने घर पहुंच गया, लेकिन अब भी वो पेड़ के तने से बंधा हुआ था। मुझे खुशी है आप पेड़ का तना साथ लेकर आ गए, पर आपने खुद को उससे बांधा क्यों है? शायद इसी को किस्मत कहते हैं। तो बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? हालांकि मछुआरा अपनी गलती से फंस गया था, लेकिन फिर भी उसने सही वक्त पर अपनी अकल लड़ाई और वहां से बच निकला।
सही समय पे अक्ल का इस्तेमाल करना हमेशा अच्छा होता है। दूर कहीं दुनिया के किसी कोने में हर देश समंदर और नदियों के पार एक खूबसूरत राज्य था। वहां चैंग नाम का एक नौजवान गरीब किसान रहता था, जो अपनी गरीबी के बावजूद नेक और खुले दिल का इंसान था। उस किसान में एक कमाल का हुनर था। हर रोज अपना काम पूरा करने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठकर छोटी डंडियों से मिट्टी पर खूबसूरत चित्र बनाया करता। एक दिन जब वो गहरी नींद में था, उसके सपनों में एक नन्ही सी परी आई। ओ मेरे बच्चे चैन, तुम्हारी नेकी और हुनर ने मेरा दिल जीता है। अब मैं तुम्हें देने वाली हूँ एक जादुई ब्रश। तुम जो कुछ भी इससे बनाओगे उसमें जान आ जाएगी, नन्ही परी ने कहा और जादुई ब्रश उसके बगल में रख के वहां से चली गई। और कुछ ही देर के बाद, काश मेरा सपना सच होता, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। चैंग ने अपने जादुई ब्रश को आजमाने में बिल्कुल देर ना लगाई। उसने लजीज खाने का चित्र बनाया और फिर जो हुआ उसे देखकर वो हैरान रह गया। विश्वास नहीं होता, ये मैजिक ब्रश तो असली है। उस दिन से वो तरह तरह के खाने और कपड़ों के चित्र बनाया करता, ताकि राज्य के गरीब और जरूरतमंदों की मदद कर सके। यह खबर आग की तरह फैल गई और जालिम राजा भी चैंग और उसके जादुई ब्रश के बारे में जान गया। हमारी इजाजत के बिना जाओ, उसे यहां लाओ अभी। उसी दिन सिपाही चैंग को पकड़कर राजा के महल में ले आए। हमने तुम्हारे हुनर के बारे में सुना है, एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ बनाओ वरना तुम्हें दे दी जाएगी सजाए मौत। महाराज की जय हो, अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे छोड़ देंगे? ऐसा सपने में भी मत सोचना, अब तुम जिंदगी भर हमारे गुलाम हो चैंग, राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। राजा की बात सुनकर चैंग दुखी हो गया, लेकिन फौरन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोने के पहाड़ की बजाय वहां एक बड़ा सा समंदर बना दिया। तुमने ये क्यों बनाया? सोने का पहाड़ बनाओ अभी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ महाराज। उसने सोने का पहाड़ तो बनाया, लेकिन वो समंदर में बहुत अंदर था। तुमने फिर से सब बिगाड़ दिया है, अब मेरे लिए बड़ा जहाज बनाओ। और चैंग ने ऐसा ही किया। राजा जहाज पर चढ़ा और सोने के पहाड़ की ओर निकल पड़ा। चैंग ने समंदर के बीचों बीच काले घने बादल और तूफान बना दिया और वो सब हकीकत में बदल गया। जालिम राजा बीच समंदर में फंस गया और डूबकर मौत के घाट उतर गया। उसके बाद
चैंग को आजाद किया गया और वो हमेशा गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। बच्चों, आपने कहानी से क्या सीखा? जालिम राजा को अपनी जान इसलिए गंवानी पड़ी क्योंकि वो बदतमीज था और घमंडी था, जबकि चैंग को उसके अच्छे स्वभाव की वजह से बहुत सी चीजें मिली। तो बच्चों, याद रखो, आप तभी तरक्की करते हैं जब आप लोगों की मदद करते हैं। और देखने का मन कर रहा है ना आपको, तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा की संतुलन रंगमंच, सब्सक्राइब करना मत भूलना।